शहर के लकड़गंज क्षेत्र में आज सुबह एक फर्नीचर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से दो फर्नीचर की दुकान और एक आरा मिल जलकर राख हो गई। इस आग में 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान होने की जानकारी मिली है। दमकल विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह करीब 8 बजे रोहित फर्नीचर वाला की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। यहां से आग पास वाले शर्मा की फर्नीचर की दुकान में भी लग गई। यहां पर सोफे और सोफा बनाने का कच्चा माल जल गया। लगभग 25 से 30 लाख रुपए का नुकसान होने की जानकारी मिली है। वहीं यहां से आग राजू ढोबले की आरा मशीन तक फैली। आरा मशीन में रखा साकोन का लकड़ा पूरी तरह जल गया। वहीं इसी आरा मशीन में मोहन भाई नामक व्यक्ति का भी लकड़ा रखा हुआ था, वह भी पूरी तरह जल गया। उसके बाद आग यहां से अपना गुड्स गैरेज तक फैल गई। उनका कपड़ा और स्पेयर पार्ट का सामान जलकर राख हो गया। उनका भी लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। नुकसान की जानकारी तो अग्रणी ढोबड़े जी की जो फर्म है वही दे सकेंगे। मुझे चीफ फायर ऑफिसर के माध्यम से फोन आया कि यहाँ अंगार बुझाते समय धुएं के कारण हमारे दो कर्मचारी हताहत हुए हैं और उनको एडमिट किया गया न्यू ईरा हॉस्पिटल में। तो उस दृष्टि से मैं यहाँ साइट पे आया, अभी यहाँ से न्यू ईरा हॉस्पिटल जा रहा हूँ करके। आग पर काबू पा लिया गया है। नुकसान की जानकारी ढोबड़े जी आपको अच्छे से दे सकेंगे। मैं यहाँ से मेरे कर्मचारियों का स्वास्थ्य देखने के लिए जा रहा हूँ। प्रशासन ही उनका पूरा खर्च उठाएगा, उनके इलाज का पूरा खर्च प्रशासन ही उठाएगा। इस आग में आरा मशीन वालों का कार्यालय भी आग की भेंट चढ़ गया। आग इतनी भयंकर थी कि दूर तक इसके लपटे दिखाई दे रही थी। शुरुआत में लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग ज्यादा फैलने से दमकल विभाग को सूचित किया गया। उसके बाद लकड़गंज और अन्य स्थानों से दमकल की लगभग 7 गाड़ियां आग बुझाने में लगी रही। दिन का समय होने से आग जल्दी काबू पाने में सफलता मिल गई। अगर रात का समय होता तो आग कई आरा मशीन तक फैल जाती और करोड़ों रुपयों का नुकसान हो जाता। कोरोना संक्रमण के चलते पहले से ही साल भर से लोगों का व्यवसाय ठप पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में इस आग ने लकड़ा व्यापारियों का लाखों रुपयों का नुकसान कर दिया। हाँ, मी राजेंद्र ढोबे। ही आग ही जो जो 7.5 ते 7.5 दरम्यान लागलेली आहे, पण ही केव्हा आणि कुठून कशा प्रकारे लागली ही लॉकडाऊनच्या पिरियडमुळे कोणी इथे म्हणजे वर्कर किंवा कोणी म्हणजे आजूबाजूला नसल्यामुळे काही कळायला मार्ग नव्हता। आणि जेव्हा ती वाढली तर ती आटोक्यात देण्या येतपर्यंत सगळ्यांचं फार मोठं नुकसान झालेलं आहे। जीवहानी तर काही झाली नाही। लकडगंज पोलीस स्टेशनच्या मागे महाल धक्का म्हणून जो एरिया आहे तिथे एक नाही कमीत कमी 2 ते 3 आरा मशीनचे इस्टॅब्लिशमेंट आहे, म्हणजे तिथे लाकडाचे विविध व्यवसाय करणारे इस्टॅब्लिशमेंट आहे। त्याच्यामध्ये आग लागली होती। सकाळी 8:30 सुमारास ती ही घटना आहे आणि आमच्या पहिले आम्ही 6 गाड्या पाठवल्या होत्या आणि त्यानंतर मग अजून 2 म्हणजे अशा टोटल 8 गाड्या या अग्निशमनाच्या कार्यामध्ये तिथे पाठवण्यात आल्या होत्या। याच दरम्यान आमचे 2 कर्मचारी खूप जास्त हीट आणि स्मोक असल्यामुळे त्यांना श्वासोश्वास घेण्याचा प्रॉब्लेम झाला, त्यामुळे त्यांना निविरा रुग्णालयात तातडीने दाखल करण्यात आलेलं आहे आणि सध्या त्यांची प्रकृती जी आहे ती स्थिर आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।